अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? यार मैं हूँ रियान रज़ा। तो यार नए ब्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। यार आज हम दोबारा जा रहे हैं हंटिंग पे, दरिया वाली साइड पे। अभी हम गौसाबाद है, इधर कोटशुटा के साथ उधर मौजूद हैं। कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, केले वगैरह, सेब वगैरह और अंगूर हैं, ये ले लिए थे, अभी लिए इधर ही से, ताकि अगर कुछ मतलब शिकार ना भी लगे तो भूख वगैरह ना लगे। अभी रोटियाँ भी और रोटियाँ भी इन्हें कही हैं, बस वो भी तैयार हो जाएंगी, तो निकलते हैं। तो यार दरिया पे हम पहुँच चुके हैं, इधर ही ये हमारी कश्ती आ रही है, इसी पे हम जाएंगे। तकरीबन जाएंगे उस साइड पे, वो बिल्कुल उधर ही मेरे ख्याल में, शायद अभी पता नहीं है, इस पर ही जाएँगे यार। यार तो यार इस वक्त हम ना दरिया के सेंटर में मौजूद हैं, कश्ती पे इधर ही। ये कुछ सामान वगैरह होता है मुगाबी के लिए लगाना पड़ता है, इसे शिकारी जबान में तो ठारा वगैरह कहते हैं। इधर देखें, ये आपको नज़र आएगा, ये देखिए जो इधर कबूतर इधर उन्हें रखे हुए हैं, ये ना बाज़ उकाब वगैरह का शिकार के लिए, मतलब वो इधर आते हैं इन्हें देख कर, तो वो फिर उसे पकड़ लेते हैं, उसे फिर सील करते हैं। अभी हम देखते हैं, अब हमने ठारा किस जगह पर लगाना है, मतलब ये साइड पर लगा देंगे, फिर अगर कोई मुर्गा भी आएगी तो उसे पता ना चले कि इधर कोई बैठा है या नहीं। जगह हमें मिल गई है जिस जगह हमने ढारा लगाना है, तो अभी तो मैं इसी के ऊपर ही ठहरा हूँ। ये बिल्कुल दरिया के सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में, ये आप देख लें। ढारा हम लगा रहे हैं इस साइड पे, बिल्कुल इधर ही, मतलब ढारा उस जगह कहते हैं जहाँ पे शिकारी बैठ के ना शिकार खेलते हैं। तो ये देखें दूर दूर तक दरिया ही है इधर। तो यार धारा मारा गया है बंद, आप देख लें इधर ही, ये इस जगह पे इसके अंदर बैठ के शिकार खेलेंगे, ऊपर से आने वाली मुर्गा भी वगैरह को मारेंगे इधर ही। तो कोई नहीं है, ऐसे ही इसी जगह पे रहते हैं, इनके बाकी रिश्तेदार भी उधर रहते हैं उनकी कश्तियों में, तो आज हम भी इधर ही स्टे करेंगे। ये लोग भी इधर ही रहते हैं, इनके बच्चे इधर ही बड़े होते हैं, इधर रहते हैं। ये देख लिया आप लोग, इनके मतलब कोई कपड़े नहीं हैं, शूज़ नहीं हैं, इनके शूज़ बिल्कुल होते नहीं हैं। मैंने कई मरतबा मैं हूँ, मैंने इनके शूज़ आज तक मैं नहीं देखे। तो यार जो लोग मुझे देख रहे हैं, तो यार चलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग इनकी मदद ज़रूर करें, चाहिए।
तो यार मगरिब होने वाली है, अभी तक इधर ही मौजूद हैं हम किनारे पे। बस मगरिब होने वाली है, सूरज इधर डूबने वाला है। इधर ये सनसेट का व्यू है ना, बहुत प्यारा व्यू है, आप देखें कितना प्यारा है। तो यार इधर मछली पकड़ रहे थे तो एक मज़े की चीज़ मिली है, ये देखें, ये कछुआ इधर ही मिला है, वो जाल के अंदर ही मौजूद था ये। और इसके अलावा एक छोटा भी इधर पड़ा है, ये देखें कितना प्यारा है। मेरा दिल कर रहा है इसे मैं उठाऊं, कोशिश करता हूँ यार। यार ये तो इधर भाग रहा है, ये देखें ओए ओए, ये है यार, ये देखें। मैं दोबारा उधर डाल रहा हूँ, दूसरा देखिए यार, ये देखें, इसे देखें, ये जा रहा है, ये देखें, इसे देखें, ये गया अंदर, ये देखें, ये भी जा रहा है यार। उनका तो पता नहीं है क्योंकि हम दूसरी साइड पे हैं, उन्होंने मुर्गा भी वगैरह मारी या नहीं मारी, लेकिन हमारे हाथ एक बहुत बड़ी मछली आता है, या कम से कम ये मेरे ख्याल में 3-4 किलो की तो होगी लाजमी है। ये देखें कितनी बड़ी है, अभी है जिंदा। तो यार सीन कुछ ये है कि सुबह इधर ही हो गई थी, हमें इस जगह पे स्टे किया था इसी के अंदर, कश्ती के अंदर। सर्दी तो बहुत थी लेकिन मैं अपना कंबल वगैरह, अपना सामान वगैरह सारा साथ लाया था सोने के लिए। तो यार रात को हमने मछली खाई थी, 3 मुर्गाबियाँ थी, वो भी रखी हुई हैं क्योंकि मछली और 2-2 सालन तो नहीं पक सकते ना इधर। तो उसके बाद अभी वो गए हुए हैं उधर, कोई मछली वगैरह का जाल उन्होंने डाला हुआ है शायद, पता नहीं है या नहीं, अभी पता नहीं है। वो देखें, वो जगह है, वो सामने वो है, जाल तो उठाया हुआ है, अभी पता नहीं है उनके पास कुछ है अभी या नहीं है, मुझसे काफ़ी दूर हैं। और असद और अंकल वो उधर मुर्गा भी खेल रहे हैं उसी जगह पे जहाँ पे वो पहले मौजूद थे इधर ही। चलें देखते हैं आगे फिर क्या होता है। तो यार आज हमारा ये स्कोर रहा तकरीबन 9 हमने मारे इधर इसी जगह पे, ये 9 है वैसे इसी जगह पे। 63 भी मारे हैं चाचू ने, 63, 14, 15, 16। ओहो यार सीन ये है कि हमारी गाड़ी पंचर हो गई है, अभी इसी पे चपनी वगैरह लगा रहे हैं, पंचर हो गया बिल्कुल भी, ये देखें। यार तो हमारा हंटिंग प्रोग्राम इधर ख़त्म हो गया है, तो हम जा रहे हैं घर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, काइंडली सब्सक्राइब एंड सपोर्ट यार, थैंक यू।